आइए जानते हैं मकर राशि वालों के बारे में। 2023 अगस्त का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा, तो जितने भी मकर राशि के जातक मेरे साथ यहाँ उपस्थित है, प्रिडिक्शन आप सभी के लिए है, सावधानी पूर्वक सुनिए। लेकिन उससे पूर्व ही मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं को यह बता देना चाहती हूँ कि जितने भी प्रिडिक्शन देते हैं ना, वो हम चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, प्रिडिक्शन उस हिसाब से है। कृपया इसको सनसाइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए महीना कैसा है। मकर राशि वालों के लिए महीना बहुत ही उत्तम व्यतीत होता नजर आता है। हम देखते हैं अखंड धन योग बना हुआ है। अकस्मात ऐसा कुछ कार्य होगा कि सडन गेन्स, अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स आपके जीवन में आएंगे। एकदम से धन संचय, एकदम से ट्रैवलिंग का योग बन जाएगा और उस ट्रैवलिंग से आपको धन मिलेगा। ठीक है, तो आइए इसको वन बाय वन लेके चलते हैं। पहले मैरिड एंड मैरिड कपल्स की अगर हम बात करें तो आपके जीवन में अकस्मात सडन खुशी आने का योग बनेगा। आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहेगी, लेकिन काम पे ज्यादा फोकस करेंगे। मैरिड एंड मैरिड कपल्स में जो भी मकर राशि का पार्टनर होगा वो धन की तरफ फोकस ज्यादा होगा और उसकी ट्रैवलिंग ज्यादा होगी। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखिएगा, जो रहेगी भी अगर आप बना के रखेंगे तो अपने पार्टनर को सही टाइम दीजिएगा, तो ये समय अच्छा व्यतीत हो जाएगा। जॉब्स के लिए हम कहते हैं आपको जॉब के सिलसिले में काफ़ी ट्रैवलिंग्स करनी पड़ेंगी। अकस्मात हो सकता है कंपनी आपको कहीं पर ट्रैवल करने के लिए भेज दे, देश विदेश या दूसरी स्टेट में, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑनर और काफ़ी ज़्यादा पद प्रतिष्ठा और रिकग्निशन मिलने के योग मिलते हैं। बिजनेस वालों के लिए मैं कहती हूँ कि आपके फॉरेन ट्रैवल योग अकस्मात बन जाएंगे या दूसरी स्टेट में जाने के योग बन जाएंगे। बहुत घूमना फिरना शुरू हो जाएगा काम के सिलसिले में और उससे आप बहुत ज़्यादा धन संचय करेंगे। एक ये भी योग है मकर राशि वालों के लिए कि अकस्मात कहीं से न्यूज़ मिलेगी कि आपका शायद कोई प्लॉट बिक गया या कहीं से आपकी कोई धन संपत्ति आ गई या किसी प्रकार के कोई फाइनेंशियल गेन्स आपको एकदम से कहीं से हो गए, ये न्यूज़ भी आपको मिलेगी। तो ये महीना आपके लिए बहुत मंगलमय है। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत मंगलमय होगा। ट्रैवलिंग से आपको खास फायदा होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो तो वो आपके लिए बहुत शुभकारक होगी। ठीक है, आप इस महीने हयग्रीव भगवान की पूजा अवश्य कीजिए, वो आपके लिए बहुत मंगलकारी होगा क्योंकि उससे आपके कार्य क्षेत्र में चार चांद लग जाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स भी अच्छा कर रहे हैं। अगर आप हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं विदेश, तो वो हो जाएगा। आप किसी एंट्रेंस कोर्स के लिए क्लियर करना चाहते हैं तो उसमें आप पास कर जाएंगे, लेकिन प्लीज़ उसके लिए पुरुषार्थ अच्छे से कीजिएगा। आइए चलते हैं अब रोगों की तरफ। तो रोग इस महीने कुछ खास होते नजर नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि काले चनों का दान शनि देव को अवश्य इस महीने करें। हर शनिवार को काले चनों को, कच्चे काले चने ले जाके पोटली में बांध के शनिदेव के पास ज़रूर रख दीजिएगा और वहाँ चाहें तो हम शनि शनैश्चराय नमः का जाप कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत मंगलकारी होगा। या फिर किसी घोड़े को चने खिला दीजिएगा। अब घोड़े आसपास मिलना काफी कठिन होता है, इसलिए मैंने ये वाला उपाय आपको बताया। ठीक है, ये महीना आपके लिए बहुत शुभकारक है। पानी की मात्रा अच्छी बनाए रखिएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स भरपूर खाइएगा एंड हो सके तो वेजिटेरियन डाइट लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत लाभदायी होगी। बाहर का खाना कम और घर का खाना ज्यादा। ठीक, तो आइए अब हम चलते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से आपका निकल कर आ रहा है ब्लैक एंड येलो। अब ये दोनों कलर आपको बांके बिहारी जी के शिव विग्रह में मिल जाएंगे। स्वयं काले होते हैं और पीतांबर धारण करते हैं, तो अपने कृष्ण जी को ले आइए, उन्हें पीतांबर पहनाइए, तिलक लगाइए, फूलों से सजाइए, रोज उनकी आराधना कीजिए राधा कृष्ण की। ओम नमो नारायणाय का जाप कीजिए, ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः का जाप कीजिए और या ओम राधा वल्लभाय नमः का जाप कीजिए एक माला, और इस तरीके से इन रंगों को चरितार्थ करिए। जैसे रंग के पुष्प चढ़ा सकते हैं आप पीले रंग के, खाना खिला सकते हैं उनको पीले रंग का बनाकर और फिर उसका स्वयं भोजन करें, तो इस तरीके से आप इन रंगों को चरितार्थ कर सकते हैं और ऑलरेडी इस सुखद महीने को और सुखद व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद।